खेलने जा रहे हैं GTA 5। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि माइकल को फ्रैंकलिन से बहुत ही मस्त और जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आई है। मतलब कि फ्रैंकलिन ने इसे बताया कि यार एक जगह है वहाँ पर एक कोई ना सेलिब्रिटी आया हुआ, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हुआ है, तो उसकी जो लैम्बोर्गिनी है उसने वहाँ की स्टाफ पार्किंग में पार्क कर रखी है। अब वो जो लैम्बोर्गिनी है वो छोटी मोटी लैम्बोर्गिनी है, मतलब कि एक अलग ही मॉडल है। चलकर देखते हैं भाई क्या है, वैसे उसे चुराना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो माइकल अपनी पूरी कोशिश करेगा। मतलब यार बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहाँ पर सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा टाइट है, क्योंकि यार वो भी एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है। मतलब क्या अगर हम उसकी कार चुराएंगे तो यार मतलब समझ ही जाओ कितना बड़ा पंगा होने वाला है। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और अब मेरे पीछे KTM खड़ी है। लास्ट एपिसोड जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि यार मैं अपनी KTM लेकर घूम रहा हूँ, तो ये देखो मेरी KTM यहाँ पर खड़ी हुई है। अब इस KTM को लेकर चलेंगे सबसे पहले एम्यूनेशन की शॉप पर, वहाँ से कुछ पिस्टल्स वगैरह खरीदेंगे। पिस्टल तो फिलहाल मेरे पे है, देखो पिस्टल मेरे पे पड़ी है, लेकिन यार ओके ये तो गाली दिख रहा है, ओके मेरी पिस्टल कहाँ चली गई। ओके तो मेरे पास इतना भी फिलहाल पिस्टल पड़ी है, बट मेरे को ना कोई अच्छी गन खरीदनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पर चलकर अगर कोई पुलिस वगैरह आ जाए चार पाँच तो हम उसे देख लें निपटा दें। तो फिलहाल अभी अपनी KTM लेकर चलते हैं, और आपको दिखाया था मैंने, देखो ओके भाई मेरे को बड़ा तगड़ा लगता है। तो ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि KTM हमने कितना तगड़े तरीके से मॉडिफिकेशन करवाई है, तो यहाँ पर अपनी KTM को, और ये लास्ट टाइम मैंने ये मॉडिफिकेशन करवाई थी। आप नंबर प्लेट देख पा रहे हो, नंबर प्लेट मतलब देखो उज्जवल लिखा हुआ है नंबर प्लेट पे। तो अभी इस KTM को लेकर चलते हैं सबसे पहले एम्यूनेशन की शॉप पर। अब जहाँ पर वो बंदा है उसकी लोकेशन हमें फ्रैंकलिन ने दिया, जहाँ पर लैम्बोर्गिनी हमें मिलने वाले, तो वो यहीं कहीं मिलेगी। तो उसने हमें ये बताया था कि एक वाईफाई जैसी जगह है, तो यहाँ पर हमें जाना है, यही कहीं पार्किंग होगी, तो बाद में चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एम्यूनेशन की शॉप पे। तो इस जगह का साइन एकदम वाईफाई जैसा, तो फिलहाल फ्रैंकलिन अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एम्यूनेशन की शॉप कोई पास में तो है नहीं, तो ये रही एम्यूनेशन की शॉप। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले कुछ खरीदेंगे, देखते कोई गन वगैरह अच्छी लगेगी। तो AKM मैं सोच रहा हूँ खरीदने की, कोई ऑटो गन होनी चाहिए या फिर शॉर्ट गन ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यार माइकल ने काफी मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करा, बंदों को लूट लूट के चोरी चकारी कर करके थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है। अभी चलते हैं फिलहाल अपनी KTM की स्पीड, भाई आप देखते जाओ भाई 190 टच हो गई थी लास्ट वीडियो में, एयरप्लेन के वो जो एयरलाइन होती है उस पे। ओके तो फिलहाल हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है, और एम्यूनेशन की शॉप ओके सामने वाली है, बंद है क्या, कहाँ है शॉप? ओके राइट से है, ये किसका शॉप 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 किधर है? अरे यार ये शॉप अमांडा का बार बार ही कॉल आता मेरे को, मैं हमेशा काट देता। ओके तो यही शॉप है क्या? ओके ओके ठीक है, ये वाली शॉप है। तो ओके यहाँ पर मैंने अमांडा कॉल काट दिया, और सामने की तरफ आप गन्स देख पा रहे हो भाई, बहुत सारी गन्स है। तो यहाँ पर मैं गन कौन से खरीदूँ यार, पिस्टल तो नहीं लेनी, अगर मैं लेना चाहूँ पिस्टल तो यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी है। तो पीछे ये कौन से गन है, SMG है, माइक्रो SMG, शॉर्ट गन, ये है AK-47 जिसका। ओके तो AK-47 हम परचेज कर लेते हैं यहाँ से, और इसके साथ हम इसकी एक्सटेंडेड क्लिप भी खरीद लेंगे जिससे हमारी 40 AMO डल जाएगी। फ्लैश हाइडर भी ले लेते हैं, स्कोप कौन सा, रेड डॉट होना चाहिए यार, चलो ठीक है ये ले लेते हैं लास्ट, इसके बाद हमें कुछ नहीं बाय करना। तो अब हम बाहर चलकर देखते हैं हमारी AKM हमारे पास आ चुकी है फिर नहीं आई। तो भाई अब AKM खरीद लिया, बस उस जगह पर चलना है, और मैं ज्यादा लेट भी नहीं हो सकता, अगर ज्यादा लेट हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने फिलहाल ज्यादा एमओ तो नहीं खरीदी है, क्योंकि इतनी एमओ की जरूरत पड़ने नहीं वाली, मैं एक्चुअली मेन वहां से भागूंगा। और मैंने ना अपनी KTM में थोड़ा बहुत ना बुलेट प्रूफ भी करवा लिया, ताकि बंदे जल्दी इसका टायर वगैरह पंचर ना कर पाए। तो जो हमारी लोकेशन है वो है मैप में, ओके तो वो वाईफाई जैसी जगह यहाँ पर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। इस जगह पर चलकर देखते हैं क्या सीन होने वाला है, तो यहाँ तक पहले पहुँचते हैं चलो। तो ये मेरी KTM भाई बहुत जल्दी पहुँचा देगी, भाई बहुत ज्यादा स्पीड है, मतलब यार कंट्रोलिंग बहुत ओपी है भाई, एक बार को हायाबुसा दोगे ना तो मैं फिर भी KTM चलाऊंगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे यार KTM तो ले ली, अब निंजा वगैरह भी लेने की सोचो, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कावासाकी निंजा लेंगे, बहुत तगड़ी बाइक है क्योंकि वो भी। लेकिन यार यहाँ पर KTM से बहुत मजा आ रहा है, अपनी इंडियन बाइक, ओह शिट, देख रहे हो भाई मैं जा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी चुराने, और यहाँ KTM नहीं चल रही मेरे से। तो चलो भाई यहाँ से अभी हम बस पहुँचने वाले हैं, काफी ज्यादा पास है, और भाई बाइक की स्पीड देखो, मतलब क्या एकदम उड़ाते हुए लाए हैं, और एक दो बार बीच में गिर भी गए थे, थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई है, और जिस चीज का मुझे ध्यान रखना था वही चीज मैंने अभी शुरू में अपनी हेल्थ कम करवा ली, और भाई पुलिस वाले मारेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ वाले कट से लेफ्ट लेना, और ये जगह आ चुकी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइन विद बॉल, और ऊपर कुछ अलग ही डिस्प्ले लगी है, BBQ स्पेस फ्लाइट बॉक्स ऑफिस ओपन। भाई साहब ये कोई तगड़ी जगह लग रही है मेरे को, मतलब जो महंगे एरिया होते हैं ना थोड़े उस टाइप का एरिया है। ओके तो अभी ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है। ओके ऊपर हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, भाई क्या जगह है ये, और यहाँ पर एक अंदर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ, तो भैया गेट खोल दे फटाफट, हैं हल्के में ले रहा है मैं। ओ हो ओ भाई भाई शिट 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 मेरी वैसे एचपी नहीं, ओ यहाँ से मैं अंदर नहीं आ सकता यार, क्या मार रहा भाई बंदा, एचपी देखो मेरी क्या कर दी इसने, ओ शिट मैन भाई क्या गलती बंदा मार रहा है।
पीछे से कोई रास्ता यहाँ से चलते हैं, जहाँ पर मुझे जाना था वहाँ से भी थोड़ा सा रुक कर चलेंगे, क्योंकि यार हमारे पीछे ना थोड़ी पुलिस की पड़ चुकी है। और ये कैसी जगह है भाई? अच्छा तो जो सेलिब्रिटी है वो शायद यहीं स्टे कर रहा है अभी, पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है। ओके तो ये कोई अजीब सी जगह शायद यहाँ पर शो होता है। ओ भाई वो लगी, देखो सारी की सारी गाड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर मेरे पे कोई स्कोप भी नहीं है कि मैं अपना स्कोप खोल के देख लूँ, सीधा भाग कर जाऊँ और अपनी जो मेन लैम्बोर्गिनी है वो उठा के निकल लूँ। अब पहले मुझे अगर गाड़ियाँ ढूंढनी भी है, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं ना शायद, एक बार मेरी एके में कोई तो स्कोप लगा हुआ है, इससे देखते हैं। चलो ओके यार स्कोप है, ओके ओके थोड़ा सा स्कोप हम खोल कर देख सकते हैं। तो भाई कोई तो नजर नहीं आ रहा वैसे मेरे को, तो खाली पड़ा, अभी चलते हैं अपना सीधा वहाँ पर। उन लोग गन रखनी चाहिए अपने हाथ में भाई, तो कोई निकलेगा ना, कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी का मेरे पीछे पड़ी, मैं सीधा बता रहा हूँ मारने लग जाऊँगा। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले। यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा, और इतनी अच्छी जगह है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी जगह है, पूरा खाली पड़ा हुआ। शायद यहाँ पर आज रात को कोई शो होना होगा, उसी चीज के लिए यहाँ पर सेलिब्रिटी आया हुआ है। तो भाई बहुत ही तगड़ा शो होगा शायद। तो यहाँ पर ये देखो, ये शो का नेम जो भी है। तो यहाँ पर अभी हम फटाफट सबसे पहले चलकर यार अपनी कोई गाड़ी जो भी थी उसे ढूंढते हैं, शायद यहीं कहीं खड़ी होगी। ओके तो यहाँ पर तो भाई कितनी सस्ती सस्ती कार खड़ी है। ओ भाई नहीं 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 ये नहीं है, मेरे को लगा ये तो इन्फर्नस है यार। तो भाई साहब बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ व्हीकल, यहाँ पर तो नहीं खड़ी। ओ भाई हाँ, उसने बोला था कि कोई स्टाफ पार्किंग में खड़ी होगी, यार स्टाफ पार्किंग तो नहीं है यहाँ पे। ओके तो ओके अंदर एक पार्किंग है यहाँ पर। ओ ओ भाई ये खड़ी भाई साहब, ग्रीन कलर की, क्या खतरनाक लुक है भाई, कसम से इसको चुरा लेते हैं। ओ भाई गाड़ी में बैठती चार स्टार की पुलिस मेरे पीछे लग चुकी है, मेरे को यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ेगी भाई, वो लोग अभी आते ही होंगे। और ये गाड़ी चल भी नहीं पा रही है भाई मेरे से। ओहो भाई क्या गलत सीन है, तो पुलिस आना शुरू हो गई है, अब यहाँ पर थोड़ा खतरा लग रहा है। ओ भाई इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कैसे आ गई? ओ भाई अच्छा वो देखो पीछे सेलिब्रिटी चिल्ला भी रहा था करके, उसकी गाड़ी उसकी नजरों के आगे से कोई चुरा कर ले जा रहा है। भाई इतनी सिक्योरिटी होने के बाद मैंने गाड़ी निकाल लिया, बस मेरे को भगा लेनी है इसको, वापस निकलनी। ओ भाई यार कार बहुत उड़ रही है भाई, मेरे से नहीं चल पा रही अभी तो। ओ भाई इसकी तो मैं लुक देख के हैरान हूँ यार कार की, बस एक बारी मैं यहाँ से फटाफट निकाल लूँ। तो भाई गोलियां बहुत बुरी तरह पड़ रही है मेरे को, अरे छोड़ दो भैया कहाँ ले जाऊँ। ओ भाई इतनी पुलिस, ओ मैं गया भाई मैं गया, सच्ची बता रहा हूँ मैं मरने वाला हूँ कसम से, मेरे को बस यहाँ से निकाल लेने जाए कैसे करके। भाई ये गाड़ी में ज्यादा बुलेट प्रूफ भी नहीं है भाई, मेरे अंदर तक गोलियां पड़ी है पूरी भाई, कसम से मैं बस जैसा था जिंदा हो रखा हूँ, बहुत गोलियां पड़ गई थी, चार गोलियां पड़ने के बाद मैं बचा हूँ। ओके तो मैं ये हाईवे का रास्ता बस चल भाई निकाल ले यार, हो जाएगा यहाँ से काम अपना। एक्चुअली मेरे को यार राइट वाले कट से नीचे करनी थी, बट मैं आगे वाले कट से राइट कर लूँगा। पहले बस मेरे को ना उसे जैसे तैसे करके से बस माइकल के घर तक पहुँचाना है, वहाँ से कोई ना कोई जुगाड़ देखेंगे पुलिस वाले उससे छुटकारा पाने का। भाई कार की स्पीड देखो 209 इतनी जल्दी। ओ भाई भाई अच्छा पुलिस वाले ये लोग। ओ शिट मैन छोड़ दो यार, क्या कार है भाई ये, मिल गई ना, मैं कसम से बता रहा हूँ मजे आ जाएंगे। ओ शिट भाई लुक देखो तुम कार की, पुलिस वाले तो भाई बैंड बजा रखी है मेरी कसम से बता रहा हूँ। ओ भाई शीशा भी जा चुका है आगे, अगर बाय चांस मैं खतरनाक तरीके से छूटता हूँ तो मैं सीधा गाड़ी के बाहर हो जाऊंगा। ओ भाई एक काम करते पुलिस वालों को ना थोड़ा सा घुमाता हूँ, कोई चक्कर आओ भाई बेटा तुम ज्यादा ही तुम रेसर बन गए ना भाई साहब, मैंने तो गाड़ी का नाम भी नहीं पढ़ा ढंग से, इतनी तेज पुलिस पीछे पड़ी है ना भाई, सीधा बस साउंड आया गाड़ी में बैठते पुलिस वालों का, सायरन की आवाज आई है। ओके भाई ये वाला हाईवे काफी सही लग रहा है, इसमें शायद मेरे को पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी थोड़ी देर तक में। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा और आगे आ चुके हैं, और पुलिस वालों ने भाई हमें बहुत बुरी तरह घेर लिया, अब हम बचकर तो कहीं पर भी नहीं जा सकते, गाड़ी की पूरी ऐसी तैसी हो चुकी है, पंचर हो गया पीछे वाला टायर। फिलहाल अभी मैं सीधी लेने की पूरी कोशिश करता हूँ कार को यहाँ से, अगर मैं सीधे जाऊँगा तो शायद राइट में माइकल तो ना रास्ते भी नहीं आ गए कि ओके सामने वाली बिल्डिंग शायद माइकल के घर के पास का ही कोई रास्ता है। चलो चलते हैं, फ्रैंकलिन के घर में जाके छुप जाओ क्या, कहीं पता लगे पुलिस फ्रैंकलिन को अलग पकड़ ले, हाँ भाई तू ही चोरों का साथ दे रहा है। ओके तो चलो अभी चलते हैं भाई, गाड़ी की स्पीड भाई एक टायर पंचर है तब गाड़ी ऐसी चल रही है। एक काम करते हैं रुको, मेरे को ना बहुत जबरदस्त आइडिया है कि ना गाड़ी को पहले रिपेयर करवा लिया जाए, रुको मैं एक बार ना रिपेयर की शॉप ढूंढता हूँ नियर बाय, तो नियर बाय रिपेयर शॉप ये वाली है, तो पहले यहाँ से ना गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं। तो जीटी सैनिटास में जाता था कार को रिपेयर करवाओ तो सारी पुलिस हट जाती थी, तो इसमें देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं।
भाई, वरना यहाँ की पुलिस तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे चश्मा नहीं खाने वाली। क्या पता अपने लिए वही बंद हो भाई। ओके तो यहाँ से आगे वाले कट से मुझे पहले तो राइट लेना है। यार क्या चल रही है गाड़ी, एक तो कार कितनी अच्छी लुक थी इन्होंने भाई साहब, ठोक ठोक के पूरी कार कैसी तैसी कर डाली है। ओ ये कौन सी कार है भाई, ये तो काफी अच्छी कार थी, तो हमें नीचे से लेना है। हाँ ठीक है, तो भाई एक बार मेरी कार रिपेयर हो जाए ना तो फिर कार बहुत तगड़ी स्पीड में चलेगी। देखो एक टायर पंचर है तभी 209 की स्पीड में उड़ रही है, मतलब चलते जो है नहीं उड़ रही है सीधा। ओ भाई आराम से, अब यहाँ से मुझे फटाफट से पहले राइट लेना है। भाई क्या गदर पुलिस पीछे पड़ गए, मैं सच्ची बता रहा हूँ मेरे को ये कार चाहिए तो चाहिए भाई, इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ मैं, कैसे क्या बोलूँ भाई, गलत ही सीन हो रखा है। ओके तो कार रिपेयर वाले की शॉप कहाँ पर है? ओके तो वो शॉप नीचे है, तो हमें पूरा टर्न लेकर आना पड़ेगा, पूरा पूरा टर्न लेना है। अरे भैया ये मुड़ ही नहीं रही है मेरी गाड़ी। ओके तो फाइनली हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमारी गाड़ी नीचे कैसे जाएगी रिपेयर होने के लिए? ओके तो ये रास्ता है शायद। हाँ ठीक है, तो ये आगे लॉस कस्टम्स की शॉप यहाँ पर आने वाली है। ओ भैया क्या गलत है यार, लॉस सेंटर। ओ भाई साहब हमें पहले पुलिस से छुटकारा पाना पड़ेगा तभी यहाँ पर हम ले पाएंगे, मतलब अपनी गाड़ी को तभी रिपेयर करवा पाएंगे। यार गलत सीन है तो। ओ शिट मैन, मेरी गाड़ी में आग भी लग जाएगी मेरे को लग रहा है बस थोड़ी देर में। यार मैं कहाँ आगे फंस गया हूँ यार, मेरा एक टायर ना पंचर होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मेरे को, हवाओं से बातें कर रहा होता अगर मेरा एक टायर ना पंचर होता था। तो भाई साहब उस दुकानदार ने भी कह दिया पहले पुलिस से छुटकारा पाओ तभी हम तुम्हारी गाड़ी को रिपेयर करेंगे, अगर तो गाड़ी रिपेयर कर देना वैसे छुटकारा पा लूंगा। चलो कोई नहीं, बचने की पूरी कोशिश करते हैं भाई, एक तो सामने से ट्रेन में आ जाए वरना तो भैया और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यार, कैम हो जाएगा फिर तो अपने साथ, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। ओके तो मैं एक काम करता हूँ। ओ पानी टैंक में, शिट 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 शिट, ओ शिट यार इसमें अंदर पानी है। कोई यार टनल वगैरह नहीं है क्या यहाँ पर? थोड़ी देर गाड़ी खड़ी करता हूँ, क्या पता पुलिस वाले मेरे को छोड़ दें। छोड़ेंगे तो है नहीं, ये भी बहुत तेज किला है, शायद मेरे को छोड़ चुके हैं, मतलब इन्हें अब मैं मिल नहीं रहा हूँ, लोकेशन इनसे लॉस हो चुकी है मेरी। मैं चुपचाप यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी रहता हूँ, चले जाओ यार प्लीज मेरे को मेरी गाड़ी ले आने दो यार, क्या लुक है भाई। ओ भाई साहब यार पुलिस वाले ने देख लिया मेरे को, शायद दोबारा से देख लिया। अबे कहाँ से देख लिया भाई तुमने, यहाँ पर तो मैं बिल्कुल छुपा हुआ हूँ एकदम। भाई यार मेरे आसपास घूम रहे, ओह नहीं 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 देखा नहीं देखा, वो हेलीकॉप्टर मेरे ऊपर एक चल रहा है। ओके यहाँ से ट्रेन भी जा रही है, सही है यार, बस चले जाओ एक बारी, मैं अपनी गाड़ी वैसी की वैसी दोबारा से रिपेयर करवा लूंगा। तो ओके जितने पुलिस वाले एक ही जगह पर खड़े होके बस अपना अपना सायरन बजा रहे हैं। ओके गाइस फाइनली फाइनली यार पुलिस हमारे पास से जा चुकी है, और मेरी गाड़ी की लुक देखो भाई साहब, ओ भाई इसको चलाने में अलग ही मजा आने वाला है। ओ भाई देखो ये जा रहे पुलिस वाले, ये देखो अबे पानी के अंदर चले गए आप तो भैया, आप क्या कर लोगे, ये देखो सामने ही घूम रहे पुलिस वाले मेरे। तो भाई वो मेरे को फाइनली लोकेशन पर आ चुके थे, बट तब तक हमारे ऊपर से स्टार्स हट चुके हैं, तो अभी हम सेफ हैं। तो गाइस वी आर सेफ राइट नाउ, तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने, तो रिपेयर का जो शॉप है यहाँ पर है तो चलते हैं। तो ओके गाइस हमारी जो व्हीकल है फाइनली रिपेयर हो चुकी है, और भाई साहब इस गाड़ी का ना पहले मैं नाम पढ़ता हूँ, मैंने अभी तक इस कार का नाम ही नहीं पढ़ा। अब भाई साहब बहुत सारी कार देखी है, रैकन देखी है, वेंटेडोर देखी है, वैनॉन देखी है, अब ये कौन सी बात है भाई, इसे देखते हो इसकी पूरी पूरी लुक दिखाता हूँ आपको। तो इस कार का नाम है लैम्बोर्गिनी साइन SKP37। तो भाई ये GTA 5 के सुपर कार्स में इसकी लिस्ट है इस गाड़ी की, और भाई साहब मेरे को ना बंदों का रिएक्शन देख रहे थे, बंदों के आगे ले आऊंगा गाड़ी तो उनकी कैसी एपिक रिएक्शन होंगे भाई मेरे को सबका पता है। अब यहाँ पर भाई का लुक है यार इस कार की, मतलब इसे मन कर रहा चलाओ मत, इसे देखते ही जाओ बस बैठ के, तो इसे लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर भाई फ्रैंकलिन के वजह से हमें एक KTM भी मिलेगी, और यार मैं अपनी लेकिन KTM तो वहीं पर छोड़ा है पार्किंग में, चलो अभी KTM छोड़ो नई बाइक भी खरीद लेंगे। अभी मैं आपको पूरी कार की ना लुक दिखाता हूँ कहीं पर चल के। तो भाई साहब ये देख रहे हो इसको हटा नहीं रहा अपनी गाड़ी भाई आगे से, इतनी चोड़ में बंदा। तो यहाँ पर मैं अपनी कार लगाता हूँ, यार कोई भी ढंग की जगह मिली नहीं थी मेरे को, अंदर ही लेना पड़ेगा रोड के, तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर ना चलाता हूँ इस रोड पे, भाई मेरे को ठुकवानी नहीं अपनी कार सबसे पहले, तो थोड़ी ध्यान से चलाऊंगा क्योंकि अभी अभी रिपेयर करवा कर आ रहा हूँ मैं। ओके भाई क्या पिकअप है यार, एक तो साउंड मेरे को इसका बड़ा प्यारा लगा। ओके तो सामने एक पार्किंग है, तो चलो यहाँ पे इस पार्किंग के अंदर लेकर चलते हैं। इस कार का साउंड वगैरह इंटीरियर वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है।
भाई लुक देखो, तुम सबसे पहले देखो नीचे की लाइट देखो भाई, लाइट देख के मजा आ रहा है। ये देखो ऊपर से लुक देखो, लाइट देखो, और ये जो पीछे का स्मोक है वो व्हाइट कलर का। ओ भाई पूरा फोग फोग है। वैसे ही मेरे को व्हाइट कलर का इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरे कलर का करवाऊंगा, ऐसे ब्लू या फिर ग्रीन करवा दूंगा वैसे। बट व्हाइट भी ऐसा नहीं है, फोग ऐसा लग रहा है कि जम गई है कोई चीज। ये वाला स्मोक मतलब स्मोक जो है उससे निकलता है यार, बर्फ से। तो ये ऐसी, और अंदर का इंटीरियर देखो आप, अंदर का इंटीरियर जो है ये है। स्टीयरिंग आप देख लो कैसी है, लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ सामने, और सामने राइट में भी जो डैशबोर्ड है उस पर भी लैम्बोर्गिनी लिखा है। गेट काफी प्यारे लग रहे हैं, सीट देख लो राइट वाली कितनी प्यारी सीट है भाई साहब, बहुत जबरदस्त। पूरी कुल मिलाकर भाई 100 में से 1000 नंबर है इस कार को। तो चलो यार फिलहाल अपनी गाड़ी जो अभी यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले लेकर चलते हैं फ्रैंकलिन के पास। फ्रैंकलिन अब पता नहीं कहाँ पर घूम रहा होगा, तो इससे बढ़िया ना मैं अकेले जाता हूँ कपड़े वपड़े की शॉप पर। तो चलो गाइस बस हमें आगे वाले कट से राइट लेना और हम पहुंच जाएंगे। तो हमें अंदर ओके तो ठीक है, यहाँ पर कौन सी शॉप है, कहीं उन्हीं की कोई दूसरी ब्रांच ना हो भाई, अपने साथ स्कैम हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्किंग उन्होंने काफी सही दे रखी है अपने लिए, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं। और कौन सी शॉप है भैया, तो ये वाली शॉप है सबसे पीछे वाली, और ये बंद तो नहीं होगी यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा कि ये बंद हो चुकी है। ओके ओके ओके, नहीं नहीं खुली है खुली है, इधर से रास्ता था, मैं अपनी गाड़ी वहां पर पार्क करा। ओ भाई क्या शॉप है, ये होती है भाई साहब शॉप, इतनी बड़ी शॉप इन्होंने बना रखी है। मेरे को ये जैकेट पसंद आ गई है भाई दुकान में घुसने से पहले, लेकिन यहाँ पर अभी शायद ये पूरी बनी नहीं है। तो भाई हमने यहाँ पर शॉर्ट्स भी बाय कर लिए और ये वाली हुडी भी बाय कर ली, और अपने भाई साहब माइकल की लुक देखो भाई, इसको सबसे अमीर बंदा बना दिया हमने तो, ऐसा लग रहा सिटी का। अब कपड़े इसके पास इतने महंगे हैं, और हमारे पास गाड़ी देख लो कितनी महंगी, गाड़ी मेरे पीछे है ना, कहीं कोई उठा कर ले गया हो तो खड़े भाई। देखो इतनी सारी कार रहती है और अपनी कार की लुक ही एकदम अलग आती है। अब जब ये कार ओन होगी ना तो इसका एक बार ना वो देखना नीचे। ओ भाई ये बस, और ये भाई क्या लाइटनिंग आती है भाई, भाई अगर वो सेलिब्रिटी ने अगर भाई तुम हमें कभी देख लिया वो भी क्या कहेगा यार। तो मैं गाड़ी का ना कलर चेंज करवा दूंगा ताकि अब गाड़ी पहचान नहीं आए। चलो अभी हम अपने घर पर आ चुके हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत अच्छा लगा भाई। अब माइकल को उसकी गाड़ी मिल चुकी है, लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी केटीएम चलेगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम शायद से मतलब कि पैसा तो अब इस पे आते रहेगा माइकल पे, क्योंकि मिशंस वगैरह हम करते ही रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार हमें टैनार ले लेनी चाहिए या फिर कावासाकी की कोई भी तगड़ी बाइक लेंगे, सुपर बाइक जबरदस्त वाली। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो गेम प्ले जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट यार वीडियो को ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल मत भूलना बेल आइकन दबा देना। Tell me that you love me, even if it's fake.